हाँ जी नरेश जी, अपना ये बालाजी का कार्यक्रम जो आप करा रहे हैं, ये कितनी तारीख को है? ये 19 अप्रैल को है जी, 19 अप्रैल, और 18 अप्रैल को हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं ठाकुर द्वारा मंदिर से चल के, हमारी मोर गेट होते हुए, शिवालिक पार्क होते हुए, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स होते हुए वहीं पे संपन्न होगी। जो आपका ये कार्यक्रम है, मतलब कि कितने बजे शुरू होगा? ये हमारा लगभग 2:15 बजे हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी 18 तारीख को, और 19 अप्रैल को सुबह 9 बजे हवन है, और उसके बाद हमारा जो कमेटी का आदेश होता रहेगा, पूरे दिन बाबा का कार्यक्रम चलता रहेगा। 7:15 बजे हमारी ज्योति प्रचंड होगी, और उसके साथ ही ज्योति प्रचंड होते हुए बाबे की इच्छा तक भंडारा चलेगा, और पूरी रात का बाबे की इच्छा तक हमारा जागरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें जो कि बाबा जी के भजनों के लिए गायक आ रहे हैं, वह कहाँ से आ रहे हैं? वो सतपाल रोटिया है जी, सोनीपत से। अच्छा, आपने कोई मुख्य अतिथि बुलाया? मुख्य अतिथि हमारे समय बाबा जी होंगे, श्री बालाजी महाराज। ये जो बालाजी का आप कार्यक्रम करा रहे हैं, किस उपलक्ष में करवा रहे हैं आप? ये हनुमान जयंती के उपलक्ष में कराते हैं जी हम, ये 17 साल से करवाते आ रहे हैं, सभी के सहयोग से, पूरे ट्राई सिटी के सहयोग से, श्री DCG भगत जी के सहयोग से, हम ये 17वां प्रोग्राम जागरण भंडारा एवं शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। बोल बालाजी महाराज की जय। बोला श्री बालाजी महाराज की जय। बोला श्री बालाजी महाराज की जय। ठंड रख है, मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सारे बाबे की ज्योति का नूर लें, ज्योति के बाबे का प्रकाश लें, और बाबे का आशीर्वाद लें। सभी भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना है कि सभी भक्त पहुँचे, चंडीगढ़, पंचकूला, जो भी है, हरियाणा, यूपी, पंजाब, सभी भक्त आए और बाबे का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय श्री राम। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे